हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडोब फोटोशॉप CS5 में क्लोन टूल के बारे में जानेंगे। क्लोन टूल को सेलेक्ट करने के लिए आप टूल बॉक्स में नाइन्थ टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसने जो है क्लोन टूल को यहाँ पर सेलेक्ट किया है। हम एक बार इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो क्लोन टूल का फ्लाई आउट यहाँ पर ओपन होता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें सेकेंड ऑप्शन और भी दिया है पैटर्न स्टैम्प टूल का। आप यहां पर देखेंगे कि क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल दोनों की शॉर्टकट यहां पर एस है। आप कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ एस प्रेस करके वन बाय वन इन टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज अगर हम यहां से पैटर्न स्टैम्प टूल सेलेक्ट करते हैं और अब हम यहां पर क्लोन टूल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ एस की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं टूल बॉक्स में क्लोन स्टैम्प टूल सेलेक्ट हो गया। और अगर हम फिर से शिफ्ट के साथ एस की को प्रेस करते हैं तो ये पैटर्न स्टैम्प टूल सेलेक्ट करता है। हम यहाँ पर फिर से शिफ्ट के साथ एस प्रेस करते हैं क्लोन स्टैम्प टूल को सेलेक्ट करने के लिए। क्लोन स्टैम्प टूल की हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लोन क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने एक इमेज है जिस इमेज में हमें एक हॉर्स दिख रहा है। हम चाहते हैं कि इस इमेज में एक हॉर्स ना होकर इसके साथ इसी सेम हॉर्स का एक क्लोन हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कीबोर्ड से इस हॉर्स के ऊपर ऑल्ट के साथ लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करेंगे। देन जिस पोर्शन पर भी आप इसका क्लोन क्रिएट करना चाहते हैं वहां पर अपने माउस को लेकर जाएंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही हमने ऑल्ट के साथ हॉर्स की इमेज का सैंपल पिक किया तो सर्कल के अंदर हमें वो सैंपल डिस्प्ले हो रहा है छोटा सा। हम यहाँ पर अब सिंपली अपने माउस को ड्रैग करेंगे लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके तो आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से इसने जो है हॉर्स की एक डुप्लीकेट कॉपी या आप इसको क्लोन कह सकते हैं वो इसने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरह हमारे पास एक और इमेज है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर इस इमेज के ऊपर से इस बोट को हटाना चाहते हैं। अभी तो हमने देखा कि हम किस तरह से अपनी इमेज का क्लोन क्रिएट कर सकते हैं और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम क्लोन स्टैम्प टूल की हेल्प से किसी इमेज के ऊपर से किसी भी पोर्शन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कीबोर्ड से ऑल्ट की को प्रेस करके इस वाले पोर्शन का सैंपल पिक करेंगे। हम कीबोर्ड से ऑल्ट की को प्रेस करते हैं देन लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करते हैं सैंपल उठाने के लिए और अब हम यहाँ पर अपनी बोट के ऊपर अपने लेफ्ट माउस क्लिक को ड्रैग करते जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके ड्रैग कर रहे हैं तो नीचे प्लस के साइन जैसा कुछ साथ साथ ड्रैग हो रहा है। इसका मतलब ये है कि नीचे जहाँ प्लस जैसा साइन दिख रहा है वहां पर जैसा पैटर्न होगा ये बोट की जगह वैसा वैसा ही चेंज करता जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने जो है बोट को हमारी इमेज के ऊपर से बिल्कुल क्लीन कर दिया है। तो इस तरह से आप क्लोन स्टैम्प टूल की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट का क्लोन भी क्रिएट कर सकते हैं या अगर अपनी इमेज के ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को हटाना चाहते हैं वो भी आप क्लोन स्टैम्प टूल की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको क्लोन स्टैम्प टूल के ब्रश का साइज इंक्रीज करना है तो आप कीबोर्ड से राइट स्क्वायर ब्रैकेट की को प्रेस करते जाएंगे, इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा। और अगर आप इसके साइज को डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करते जाएंगे तो ब्रश का साइज डिक्रीज होता जाएगा। इसके अलावा आप ऑप्शन बार पर जाकर भी जहां पर अभी आप देख सकते हैं 50 डिस्प्ले हो रहा है, मींस अभी हमारे ब्रश का साइज है 50। अगर हम इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो यहां से भी हम अपने ब्रश के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडोब फोटोशॉप CS5 में क्लोन टूल के बारे में जानेंगे। क्लोन टूल को सेलेक्ट करने के लिए आप टूल बॉक्स